नमस्कार, मैं गुरप्रीत संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 102 जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे आज उनके बारे में पूछते हैं। आप सबसे पहले मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं पहले भाजपा में मंडल अध्यक्ष हूँ, रह चुकी हूँ और 102 से अभी प्रत्याशी हूँ ख्याला से और रहती ख्याला में ही हूँ। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं वो हमारी जनता को बताएंगे? यहाँ पे ज़्यादातर MCD में आपको पता ही है पार्कों की समस्या होती है, थोड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, इन्हीं की समस्या होती है, तो इसी के प्रति MCD का काम होता है। अगर आप अपने वार्ड में या क्षेत्र में जीतती हैं तो आप जनता की जो परेशानियाँ चल रही हैं, ये आप बता रही हैं नालियों की हैं, पार्किंग की इशू चल रहा है, तो आप कैसे उसकी समस्याओं का हल करेंगे? देखो, जो MCD का जो इलेक्शन होता है और जीत होती है और उनका कार्य यही होता है कि अपने क्षेत्र की जो पार्कों में दिक्कत है, साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी है, उसको सही रखना, और जो नालियों में दिक्कत है या कहीं की नाली साफ नहीं होती उनका काम होता है, और एरिया को साफ़ सुथरा रखना, ये MCD। आने वाले जो MCD के इलेक्शन हैं और आप जैसे आप कह रहे हैं कि हम वो पर जो आपकी परेशानी है आपको उसको हल करेंगे, आप सोल्यूशन जो भी सब समस्याओं का हल करेंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, तो आप ऑपोजिट पार्टी के मुकाबले आपको जनता क्यों वोट दे? देखो, जनता समझदार है, वो सब जानती है, आज के टाइम में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब सब समझते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, पहले जब हमारे निगम पार्षद रह चुके बिट्टू भाई, उनकी वाइफ को मिली है शिल्पा जी को, ठीक है, आज हम जब शाहपुरे में जाते हैं ना तो उसका यही नाम होता है कि उन्होंने लेंटर पे काफ़ी पैसे लिए हैं, लेंटर मैन के नाम से उन्होंने नाम ही रख दिया है लेंटर मैन। तो वो एक उम्मीद है और एक मुझे अपने पे विश्वास है कि हाँ जी, जिस कार्य के लिए मुझे भाजपा ने ये सीट दे के बिठाया, क्योंकि वो लोग पैसे दे के सीट लेके आए, और ये एक गरीब कैंडिडेट है आपके सामने जो एक छोटे से एरिया में रहते हैं हम, और छोटा सा घर है अपना, ठीक है, सेवा का भाव है, सेवा की है और सेवा ही करते रहेंगे, हमारे मोदी जी का नारा है। कि आने वाले टाइम में आप अपने जो वार्ड है अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत से कार्य ऐसे करते रहेंगे जिससे लोग आपको समझें और आपके लिए सराहना करें? जी बिल्कुल, क्योंकि अब से नहीं, मैं शुरू से जब से भाजपा से जुड़ी हुई हूँ, 2009 से मैं भाजपा से जुड़ी हूँ, और जब से लेके लोगों की जो पेंशनें वगैरह होती हैं उनकी दिक्कत परेशानी, और अभी आज आपको वेस्ट ब्लॉक में एक ठेका खुला था 1 सितंबर को, तो और वो कॉलोनी में था, एरिया में था जहाँ पे दिक्कत थी उन लोगों को आने जाने में, जैसे ये घर है, घर के साथ में ही ठेका खोल दिया, तो वहाँ की पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो मेरे को फ़ोन आया कि दी ऐसे से बात होगी और यहाँ पे ठेका खुला है, तो हम वहाँ बैठ गए, वहाँ हमारा 84 दिन का प्रदर्शन चला, वहीं बैठे रहे, जिसमें काफ़ी तूतुमें भी हुई लोगों की, पुलिस भी आई, तो वहाँ पे यही कह दिया था ये जनरल से, आप ये देखिए ना, ठेका खुलता किसकी इजाज़त से खुला, जो हमारे यहाँ के MLA साहब हैं उनकी इजाज़त से खुला ना, जब तक वो सही अपनी इजाज़त नहीं देंगे कहीं भी एरिया में ठेका नहीं खुल सकता। यहाँ पहले प्राइवेट ठेका खोला महीने दो, उसी को फिर गवर्नमेंट में ठेका दे, क्योंकि प्राइवेट वाले आपको पता है बंद हो चुके, ठीक है, वो भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर करके, भाई बहुत ही गलत है, एक्सेस फ्री का जो चक्कर है ना, हमारे जो अच्छी पार्टी एक बहुत बढ़िया वाली, वो सिर्फ फ्री के पे चलती है, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं होता, फ्री में आप पता है फ्री किसको दिया जाता है, जो बिल्कुल कार्य नहीं काम कर सकता, अपाहिज है, मतलब आज तो अपाहिज भी लोग काम करते हैं, उनको नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी मेहनत कमा के अपनी रोटी खाते हैं, और इन्होंने तो लोगों को, देश को ही अपाहिज बनाना शुरू कर दिया है कि बैठ के खाओ, कल को जो आप ना रहो कोई और पार्टी है तो वो कहाँ जाएंगे, फिर उनको फ्री कौन देगा भाई, जो देश जो हमारे घाटे में जा रहा है उसको कौन संभालेगा, कोई ये नहीं पता। तो हमारा प्रदर्शन चला वहाँ पे 84 दिन तक, वहीं बैठे रहे काफ़ी, हमने DM के ऑफिस पे भी हमने प्रदर्शन किया था अपना, हमारे आदेश गुप्ता जी भी थे, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी भी थे, कोर कार्यकर्ता और लोकल एरिया के सारे हमारी पब्लिक थी यहाँ की, तो उसमें भी हमें समय लग गया पर हमें सफलता मिल गई, वो मैंने ठाना कोई पोस्ट नहीं थी, ठीक है, एक मंडल अध्यक्ष के नाते ही और एक लोकल कार्यकर्ताओं के नाते ही वो मैंने कार्य सफल करवाया सभी के सहयोग से मिलकर।
और जनता की एमसीडी में ये भी इम्प्लॉयज़ की आ रही है कि जो पेंशन का इश्यू चल रहा है उसको आप कैसे हल करेंगे, उसकी कैसे समस्याओं को दूर करेंगे, लोगों को बहुत परेशानियों का हल करके उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए कि क्या हल निकालेंगे, उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। पेंशन का तो आपको पता ही है केजरीवाल जी के उसमें आता है, पेंशन अपने इसमें नहीं है, एमसीडी में भी नहीं है, ठीक है, ना ही भाजपा के उसमें लगे रहते। अभी मैं एक माता कह रही थी मेरे, वो हम प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपना डोर टू डोर कर रहे थे, वहाँ पर वहाँ खड़ी थी, पेंशन नहीं आ रही बेटा सीनियर सिटीजन की, तो मैंने उनको कहा माता पीछे से ही बंद है, तो लोगों को तो पहले यही नहीं पता कि पेंशन का कौन सा काम किस में आता है। मैं कह केजरीवाल जी नहीं लगा रहे, ना ही लगा रही है, और ना ही जिनकी लगी उनकी बंद भी हो चुकी है, कहीं के 2 महीने, कहीं के साल, कहीं के 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, क्योंकि वो पंजाब में 1000-1000 रुपये बांट रहे हैं ना बेचारे, इसलिए। अगर आपकी पार्टी यहाँ आती है एमसीडी में तो आप उनके लिए क्या उस सोल्यूशन का कैसे हल निकालेंगे? हर चीज़ के लिए हमारे में नहीं आती, मान लिया, पर हम उसका संघर्ष करके उसके लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, जो भी करना हुआ हम बैठ जाएंगे, जब जैसे यहाँ प्रदर्शन करने बैठे मैं वहाँ भी बैठ जाऊँगी भूख हड़ताल करने के लिए, जब तक हमारी बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं लगेगी हमारा प्रदर्शन, हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप हम मतलब कि यहाँ पे जो जनता है, हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, जो आपको मीडिया में देख रही हैं, कैमरे में देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहती? मैं उन सभी को हाथ जोड़ के पहले तो मेरी विनती है उन सबको, सबको नमस्कार, यही संदेश है कि आज के टाइम में हर एक इंसान समझदार है, हर कोई अपना काम करके रोटी खाता है, किसी के पर नहीं, पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, समझ सोच समझ के कहाँ वोट देनी है कहाँ नहीं देनी वो उनका फैसला है। अगर मैं कहूँ कि आपने मैंने देनी है, मेरे सामने बोल दिया, मैंने अंदर थोड़ी जाके देखना आप मेरे को वोट कर रहे हैं, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं है, पर हाँ लोग समझदार हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गरीब एरिया से लोग कैले में से किसी को टिकट नहीं मिली, मैं पहली बार चांस है ये भाजपा, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे पहले हमारे साथ विकासपुरी वार्ड था तो विकासपुरी से कोई आ गया, कभी तिलक नगर का हो गया, तिलक नगर से फर्स्ट टाइम में जो एक लोकल एरिया से और एक लोकल कार्यकर्ता को भाजपा ने इस मुकाम पे खड़ा किया है। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें, मेहनत रंग लाती है, और आज जैसे मैं खड़ी हूँ आज किसी और का भी नंबर आ सकता है। ये भाजपा ही पार्टी ऐसी है, आपने कई बार देखा होगा, ये किसी वाद विवाद में नहीं चलती कि हाँ जी किसी नेता की बेटी है या नेता की बीवी है उसी को टिकट मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये सर हमारा जो हटके होता है ना वो भाजपा का उसमें होता है, पार्टी में, बीजेपी में, मोदी सरकार में, कोई भी कब पता नहीं चले कौन निगम पार्षद बन जाए, कौन MLA बन जाए, कौन MP बन जाए, ये हमारे भाजपा में। तो सभी को यही संदेश है, सोच समझ के फैसला लें, ना किसी के बहकावे में, और फ्री का चक्कर छोड़ दें, वो फ्री वाला देश को अपाहिज बनाने वाला काम है। तो मेरी यही विनती है एक अच्छा नेता चुने जो आपकी सेवा का भाव रखता हो, ना कि किसी के लेंटर के पैसे में आंखें हों या किसी का कुछ हड़पने का। अगर भाई साहब ऐसा कोई चल नहीं रहा ना तो जो कबाड़ी लोग हैं उनको कह रहा अगर नहीं चलोगे तो आपकी कबाड़ी की दुकान हटा देंगे, ये तरीका नहीं होता। नेता का मतलब होता है एक राजा, राजा का मतलब बैठा है जो सीट पर सामने पब्लिक बैठी है, तो उसका न्याय बराबर होना चाहिए सबके लिए, ये नहीं कि एक के लिए, तो सब सब है। तो हमारा भी विचार वही है, सेवा की है, सेवा करते रहेंगे। अगर आप MCD के इलेक्शन ये जो चल रहे हैं BJP के 4 तारीख को जिसका मतलब वोट है, अगर आप वो जीतते हैं तो उसके बाद आने वाला क्या आपका एजेंडा रहेगा वो हमें हमारी जनता को बताइए। नहीं, जो मैंने पहले भी कहा है, मैंने यही कहा है कि हमारे यहाँ पे ख्याला में डिस्पेंसरी नहीं है, काफ़ी टाइम से मुद्दा चल रहा था डिस्पेंसरी बनेगी, यहाँ काफ़ी खत्ता बंद करवा दिया ना तो खाली जगह है, तो यही चल रही थी कि भाई यहाँ डिस्पेंसरी हो जाए अपने एरिया में, ठीक है, और हमारे डबल स्टोरी में जैसे बच्चे हैं कुछ ऐसी संस्था खुल जाए जहाँ पे बच्चे कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ सीखने के लिए हो जाए, ये हो गया। तिलक विहार में हमारे पार्क नहीं है, है मतलब कि साफ़ सफाई नहीं है वहाँ की, मुझे जैसे उन्होंने कहा कि आंटी हमारे पास पार्क नहीं है, हम खेल नहीं सकते बच्चे, तो वो पार्कों का ये मुद्दा मैंने लिया है कि ये सारे कार्य मैंने करवाने हैं, ये मेरे इसमें आते हैं और ये मैं काम करूँगी जी। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।